नमस्कार दोस्तों, हमारा हृदय यानी कि दिल एक मस्कुलर आकार का अंग है जो दिन में 100,000 बार धड़कता है। हमारा दिल छाती के बाई ओर स्थित होता है जो कि 24 घंटे में पूरे शरीर में 5000 गैलन तक रक्त पंप करता है। हृदय का मुख्य कार्य हमारे टिश्यू को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति करना होता है। अगर ये अंग काम करना बंद कर दे तो इसका परिणाम जीवन के लिए खतरा भी साबित हो सकता है। मानव का दिल 1 मिनट में 75 से 80 बार धड़कता है यानी 4800 बार प्रति घंटा। यदि कोई व्यक्ति 80 वर्ष तक जीवित रहता है तो उसका दिल पूरे जीवन काल में 3 बिलियन बार धड़कता है। एक नवजात शिशु के हृदय की गति प्रति मिनट 70 से 190 बीट होती है, जबकि एक औसत वयस्क के हृदय की गति 60 से 100 बीट प्रति मिनट होती है। अटैक की सबसे बड़ी वजह हमारी बदलती जीवन शैली है, जिसमें तनाव, दबाव, प्रकृति से दूर होते जाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा है। अटैक अचानक ही होता है, चाहे फिर वह हार्ट का हो या ब्रेन का। लेकिन कई महीने, कुछ हफ्ते पहले शरीर में कुछ ऐसे बदलाव नजर आने लगते हैं जो हमारे दैनिक दिनचर्या पर प्रभाव डालते हैं। मेडिकल की भाषा में इसे हार्ट अटैक और MIB कहा जाता है, यानी मायोकार्डियल इन्फेक्शन। आइए जानते हैं हार्ट अटैक के लक्षण क्या क्या है। शरीर के ऊपरी हिस्से में दर्द होना, अचानक चक्कर आना, दिल की धड़कनों का बढ़ना, खांसी जुकाम का ठीक ना होना। आइए जानते हैं डॉक्टर इसका किस प्रकार से डायग्नोस करते हैं। ECG के माध्यम से डॉक्टर इस चीज़ का डायग्नोस किया जाता है। ECG एक परीक्षण है जो हृदय के माध्यम से की जाने वाली विद्युत संकेतों को मापता है। जब हृदय के अपने चैम्बर के माध्यम से रक्त पंप करता है तब इन्हें संकेतों को मापा जाता है ब्लड सैंपल द्वारा। कार्डियक एंजाइम में उपस्थित का पता लगाने के लिए ब्लड वर्क की आवश्यकता होती है जो दिल के दौरे के दौरान उठाए जाते हैं। इन रीडिंग की मदद से डॉक्टर आपके अटैक के आकार और समय की पहचान करने में सक्षम होते हैं। किन इमरजेंसी कंडीशंस में पेशेंट को होती है सर्जरी की आवश्यकता। एंजियोप्लास्टी के दौरान कैथर के नाम के एक पतली सी ट्यूब बाहा या जांग में हल्का सा चीरा लगाकर उसे ब्लॉक और चूकी धमनी में डाला जाता है। डॉक्टर एक्सरे या वीडियो की मदद से वाहिका में जाने वाली ट्यूब को मॉनिटर करते हैं। कैथर के धमनी में पहुँचने से उसे फुलाया जाता है। ये बैलून ब्लॉक को दबाकर चपटा कर देता है जिससे धमनियाँ चौड़ी हो जाती है और मरीज के शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाता है। बाईपास सर्जरी के ऑपरेशन से पहले सीने के बीच की हड्डी को काटकर हृदय को खोला जाता है। उसके बाद हार्ट लंग को मशीन से कनेक्ट कर दिया जाता है और हृदय फेफड़ों का काम मशीन करने लगती है। हृदय को इस तरह के घोल से धो दिया जाता है जिससे उसका तापमान कम हो जाए और धड़कना बंद कर दे। इसके बाद ग्राफ्टिंग का कार्य किया जाता है। इसके पहले हाथ या पैर से नसें या पेट की धमनी से ग्राफ्ट तैयार किया जाता है। इसे आवश्यकता बाईपास ग्राफ्ट कर दिया जाता है। इसके बाद हृदय और फेफड़ों में रक्त संचार की व्यवस्था को वापस जोड़ दिया जाता है जिससे वह पहले की तरह काम करने लग जाए। हार्ट अटैक को रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए। धूम्रपान, सिगरेट या शराब पीने की आदत जैसे को छोड़ना चाहिए। आहार में ट्रांसफैट या कोलेस्ट्रॉल आदि का सेवन में कमी करनी चाहिए। इसके अलावा फल, सब्जियाँ, साबुत अनाज, मछलियाँ जैसे स्वास्थ्य खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। शारीरिक गतिविधियों और रक्तचाप में कंट्रोल रखना चाहिए। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।